स्वागत है आप सबके अपने चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू पापड़ी की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, यह बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाने में उतना झंझट भी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप गेहूँ काटा लिया है, इसे मैं गेहूँ के आटे में बना रही हूँ। इसमें हम डाल देंगे दो उबला हुआ आलू। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, डाल देंगे इसमें। आलू मैंने छोटे साइज का लिया है दोस्तों, ये देखिए। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे, इसे हम हल्का सा क्रश कर लेंगे, डाल देंगे इसमें। इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे और आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका हम सख्त आटा तैयार करेंगे। आटे को तो मैंने तैयार कर लिया है दोस्तों, ये देखिए, एकदम सख्त आटा तैयार किया है मैंने। इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, चलिए हम आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है। एक बार इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है। यहाँ पर हम एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे। अब हम छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे। अब हम इसे गोल गोल करेंगे। तो ये देखिए, सारी लोइयां मैंने बना ली है। अब एक लोई को हम हाथों में लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, इसे हम इस तरीके से चपटा कर लेंगे, ये देखिए। पर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। एक ग्लास लेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे हमें ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, मीडियम साइज में बेलना है, ये देखिए। इसे मैंने ग्लास से अच्छे से काट लिया है। अब इसे हम पिक करेंगे, ये देखिए, मैंने अच्छे से पिक कर लिया है। सारे आलू पापड़ी को बेलकर हम इसी तरह से पिक कर लेंगे। सारे आलू पापड़ी को मैंने तैयार कर लिया है दोस्तों, ये देखिए, ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने चलते हैं चूल्हे की तरफ। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है दोस्तों। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और एक एक करके सारे आलू के पापड़ी को हम डालते जाएंगे। नीचे की तरफ से इसे हम अच्छे से सिकने देते हैं। सारे आलू पापड़ी देखिए तेल के ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए। इसे हम एक बार अच्छे से पलट कर चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ से भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। सारे आलू पापड़ी को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने सारे आलू पापड़ी को तैयार कर लिया है दोस्तों, ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। गर्मा गर्म आलू पापड़ी बन करके तैयार हो चुका है दोस्तों। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल रिंकू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, वो भी एक मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।